दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप किस प्रकार से चेंज फास्ट में रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ऐड फंड, फंड ट्रांसफर और आईडी एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है हर्षन और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों का दोस्त टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों चेंज फास्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.changefast.club पर जाना होगा। जैसे ही आप चेंज फास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखता है। दोस्तों अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है कुछ इस प्रकार से। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर रेफरल आईडी डालनी है। रेफरल आईडी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों रेफरल आईडी जैसे ही आप डालते हैं आपके अपलाइन का यहाँ पर नाम आ जाता है। अब आपको आपका पूरा नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आपका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड करना है। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद अब आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक यूजर आईडी दी जाती है। इस यूजर आईडी को आप कॉपी कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। अब आप साइन इन के बटन पर क्लिक करें। साइन इन के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं साइन इन पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको आपकी लॉगिन आईडी डालनी है। लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको आपका पासवर्ड डालना है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अभी तक हमने देखा आप यहां पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरह से साइन इन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आप यहां पर किस तरह से फंड को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों फंड ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री लाइंस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको फंड वॉलेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फंड वॉलेट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब आपको ऐड फंड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड फंड पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट में 100 रुपए हैं। अभी मैं यहां पर 650 रुपए ऐड कर आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आपको जितना भी यहां पर फंड ऐड करना है आप यहां पर फंड डालेंगे। फंड डालने के बाद आपको यहां पर यूपीआई आईडी डालनी है। दोस्तों यूपीआई आईडी वही डालें जिस यूपीआई आईडी से आप पेमेंट करना चाहते हैं। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको यहां पर बाय फंड पर क्लिक करना है। बाय फंड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी उस यूपीआई आईडी पर पे का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने यहां पर पेटीएम की यूपीआई आईडी यूज की थी तो मेरे पेटीएम अकाउंट पर यहां पर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों अब यहां पर पे 650 के बटन पर क्लिक करना है। पे 650 पर क्लिक करने पर यहां पर दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर भी पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे के बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं यहां पर यूपीआई आईडी यानी कि पासकोड डालने का ऑप्शन आता है। मैं अब यहां पर अपना पासकोड डालूंगा। जैसे ही मैं पासकोड डालता हूं मेरी पेमेंट सक्सेसफुली यहां पर ट्रांसफर हो जाती है कंपनी को। और जब हम कंपनी की वेबसाइट पर आते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहां पर 650 रुपए मेरे वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट का बैलेंस 750 रुपीज हो चुका है। और नीचे की तरफ भी आप हिस्ट्री में देख सकते हैं 650 रुपए सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं फंड ट्रांसफर करना एक आईडी से दूसरी आईडी में। फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। थ्री लाइंस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं अब आपको फंड वॉलेट के अंदर ट्रांसफर फंड का ऑप्शन दिखेगा। ट्रांसफर फंड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसफर फंड के ऑप्शन पर क्लिक
करते हैं आपके सामने ट्रांसफर फंड का पेज ओपन हो जाता है। ट्रांसफर फंड करने के लिए आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करना है। अमाउंट एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जिस भी यूजर आईडी पर आपको फंड ट्रांसफर करना है उसकी यूजर आईडी डालनी है। मैंने यूजर आईडी और 100 रुपए अमाउंट डाला है ट्रांसफर करने के लिए। अब आपको ट्रांसफर फंड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसफर फंड के बटन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने पॉपअप ओपन होता है जिसमें लिखा होता है सक्सेसफुली ट्रांसफर, यानी कि सक्सेसफुली आपका यहाँ पर फंड ट्रांसफर हो चुका है उस आईडी पर। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं आपके वॉलेट में कितना बैलेंस बचा है। आइए दोस्तों अब जानते हैं आईडी एक्टिवेशन करने का तरीका। दोस्तों अब मैं यहां पर सेकंड आईडी पर आ चुका हूं जो कि इनएक्टिव है। आप देख भी सकते हैं रेड कलर से इनएक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इस आईडी को आपको एक्टिवेट कर दिखाऊंगा किस तरह से आप यहां पर अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको 3 लाइंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइंस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से मेन्यू बार ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको एक्टिवेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्टिवेट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट में 650 रुपए हैं जो कि मैंने ऐड कर लिए थे पहले ही। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस प्रीमियम पैकेज को 650 रुपए से बाय करता हूँ जिसमें मेरे को 40 रुपए 35 दिन तक दिए जाते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें लिखा होता है आर यू श्योर डू यू वांट टू बाय दिस पैकेज। तो यहाँ पर मैं ओके के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ओके के बटन पर क्लिक करूँगा मेरा पैकेज यहाँ पर बाय हो चुका है। और जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा वैसे ही मेरी आईडी एक्टिवेट शो हो जाएगी। दोस्तों मैं रिफ्रेश कर दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया मेरी आईडी एक्टिवेट लिखा आ गया। आइए दोस्तों डैशबोर्ड पर चलकर देखते हैं। डैशबोर्ड पर भी मेरी आईडी एक्टिवेट शो हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पर इनएक्टिवेट रेड कलर से लिखा था, अब यहाँ पर एक्टिवेट ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या फिर जिस भी लीडर के द्वारा आपको ये वीडियो सेंड की गई है आप उसके माध्यम से इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए।